बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है तंदूरी चाय या मटका चाय की। बहुत ही आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपको उसके लिए ये वाले क्ले पॉट्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं। ये बहुत ही आराम से आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत ईजीली ये मिल जाते हैं। क्ले पॉट्स छोटे छोटे ऐसे होते हैं, चाय के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अगर आपको मिल जाएंगे तो फिर आपकी चाय आराम से बन जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको धो के खुशक कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चाहिए होगा दूध, पानी, शुगर, चाय की पत्ती। मैंने यहाँ टी बैग्स मिली है, लेकिन अगर अगर आपको खुली मिलती है तो आप खुली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने इसको फ्लेवर देने के लिए अदरक का टुकड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, इलायचियाँ लिए हैं साबुत, और दालचीनी मेरे पास क्योंकि साबुत नहीं थी, जो स्टिक्स होती हैं तो वो एक स्टिक आपको चाहिए होगी, या फिर मैंने यहाँ पर सिनेमन का पाउडर जो होता है वो मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब लिया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ करा है ये पॉट लेकर, इसको बिल्कुल हल्की आँच पे जो है इसको वो गर्म करने के लिए जो है बिल्कुल हल्की आंच पे, यहाँ चूल्हे पे रखा हुआ है। आपने इसको बहुत ही लो आंच पर जो है गर्म करना है चारों तरफ से, इनसाइड एंड आउट, ताकि ये कम्प्लीटली जो है वो गर्म और बिल्कुल खोलता हुआ हो जाए, और फिर हम इसको चाय में चाय इसके अंदर सर्व करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी चाय बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक बर्तन रख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले आप डालेंगे 1 कप पानी। इसको उबलने के लिए, पकने के लिए हमने यहाँ रख दिया है चाय को। तो पानी जब हमारा थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाए तो मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 टी बैग्स डाल रही हूँ चाय की पत्ती के। अगर आप खुली पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून भर के जो है वो चाय की पत्ती ऐड कीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है, और ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो तो फिर मैं इसके अंदर अपनी रेस्ट चीज़ें जो है वो डालती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, ये जो आप गर्म कर रहे हैं इसको आपने क्या करना है, साथ साथ घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा काला ना हो बल्कि चारों तरफ से जो है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको ये देखें गर्म हो रहा है, ये कलर अपना पूरा चेंज कर लेगा और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा गर्म होके, ठीक है। तो ये यहाँ पर कावा मेरा उबल रहा है, सॉरी उबल नहीं रहा, अभी गर्म होना शुरू हो रहा है। तो गर्म होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, पानी जो है गर्म होना शुरू हो रहा है, चाय की पत्ती का कलर आना शुरू हो गया। तो मैंने साथ ही इसमें ये सारे स्पाइसेस डालने हैं, अदरक का टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इलायचियाँ हैं 5 से 6, और सिनेमन है पाउडर। ये सब चीज़ें डाल देते हैं ताकि इसका कलर जो है साथ ही इन्हेंस, इसका जो फ्लेवर है वो साथ ही कावे के अंदर इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट कावा पकाना है। मैं इसके अंदर शुगर भी शामिल कर रही हूँ, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। मैं तकरीबन यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून से लेकर 2 टेबल स्पून तक आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट इसको पकाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब मैं इसमें दूध शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन छोटा कप है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब जो है वो दूध शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर चाय के अच्छी तरह से इसमें आ जाए। आप इसको मिक्स करके आप शुगर पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें चाय जो है मेरी अच्छे तरीके से उबल रही है। 2-4 इसको उबाल दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि ये तेज़ उबल जाए और इसमें सारा फ्लेवर जो है चाय का वो आ जाए। चाय के जो हमने मसाले ऐड किए हैं, सिनेमन वगैरह, जो इलायचियाँ हैं। अब 2 से 3 मिनट अच्छी तरह उबल रही है, और ये मेरा जो पॉट है ये भी रेडी हो चुका है। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, पहले इस चाय जो आपकी डन हो गई है इसको छान लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने चूल्हा बंद करके चाय छान ली है, ये मेरी चाय निकल गई है। अब आपने कोई भी खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने ये क्ले पॉट को बहुत ध्यान से अंदर रखना है। इस तरह की कोई चीज़ ले लीजिएगा जिससे आप इजीली उठा लें, तो क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है ये, बहुत देर से पक रहा है तो ये सही गर्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो अपनी चाय बनाई है आपने इसके ऊपर पोर करनी है। तो ये देखें जितनी भी चाय है अपनी सारी इस पर पोर करती जानी है, और ये जो है इसके अंदर थोड़ी देर तक उबलता रहेगा, और इसके अंदर ही इसका सारा फ्लेवर जो है वो इस मिट्टी के बर्तन से चाय 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 का जो फ्लेवर है वो निकल जाएगा। थोड़ी देर तक इसको 2 से 3 मिनट तक पड़ा रहने दें, अच्छी तरह इसका जायका निकल जाए। उसके बाद आप इसको चाहें तो नॉर्मल कप में, या फिर वापस इसी तरह के एक और कोई और ले लीजिएगा कप, इस तरह का जो क्ले वाला है, फिर इसके अंदर पोर कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से इसको निकालिएगा, और फिर उसके बाद आप इसको साफ कप में पोर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने अपनी चाय जो है वापस उसी तरह के जो मेरे पास 2 और रखे हुए थे पॉट, उसमें मैंने सर्व की है। अगर आप चाहें तो उसको सिंपल कप में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो चुका है इस पॉट का। तो यही इसकी क्वालिटी है और यही इसकी खूबी है सबसे बड़ी, कि इसका सारा टेस्ट जो चाय का आपको मिलता है वो क्ले का मिलता है, क्ले पॉट का मिलता है। तो इसीलिए इसको तंदूरी चाय कहते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज जो हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।